दोस्तों, क्या आपका शरीर भी दुबला पतला है और आप उसको मोटा करना चाहती हैं? तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आज की इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से आप कुछ दिन में ही अपने दुबले पतले शरीर से छुटकारा पा सकते हैं, उसको मोटा, ताकतवर और सुडौल बना सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि इस वीडियो को देखना है। तो आपको करना क्या है, इस रेमेडी में लेना है हमें किशमिश। तो किशमिश आप ले लीजिए, ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, आप किराने स्टोर पर या फिर किसी भी पंसारी के यहाँ पर। तो हमें किशमिश लेनी है और इसके साथ में आपको सेवन करना है 1 कप दूध का। तो 1 कप दूध लेना है और आपको करना ये होगा, ये लगभग 1 चम्मच भर करके हमें लेना है किशमिश। तो हम इस दूध में 1 चम्मच भर करके किशमिश को डाल देंगे और इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगोकर इसमें रख देंगे। तो जब ये 1.5 से 2 घंटे भीग जाएगी तो ये जो है फूल कर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। और जब आपके 2 घंटे गुजर जाएं तो उसके बाद में आपको करना ये होगा कि किशमिश को दूध में से निकाल करके आपको इस तरीके से चबा चबा करके खा लेना है। इसको खूब अच्छे से चबा चबा कर खाइएगा। और इसको चबाकर खाने के बाद में जो ये हमारा दूध बच जाएगा, तब आपको इसको दूध का क्या करना है, दूध को आपको कैसे पीना है वो भी देख लेते हैं। तो आपको किशमिश को चबा करके खा लेना है इसमें से निकाल करके। उसके बाद में आपको दूध जो बच गया है उसमें आपको लेना है ये पाउडर, ये है सतावर का पाउडर। तो सतावर का पाउडर आपको आसानी से पंसारी के यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको दूध में जो हमारा दूध बचा है, किशमिश तो हम खा लेंगे पहले ही, उसके बाद दूध जो बचा है आपको इस दूध में आधा छोटा चम्मच जो है सतावर का चूर्ण डाल करके घोलकर आप इसको पी लीजिए। आप इसको कर सकते हैं दोपहर में खा लें या फिर शाम में खा लें, किसी भी टाइम इसको ले लें। आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करके देखें, 10 से 15 दिन, आप देखेंगे आपके शरीर में जो है बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपका दुबला पतला शरीर जो है, आपको खुद को लगेगा कि हमारे शरीर में ताकत आ रही है, शरीर मोटा हो रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ जो है दूध में जो होता है प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप दूध का लगातार सेवन करते रहिए और आपको दुबले पतले शरीर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।